हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग्स। और आज है 4th जैन। पीछे आपको बलून्स दिख रहे होंगे। सो आज है 4th जैन। टाइटल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। टुडे इज माय बर्थडे। यस, आई एम 31 ईयर ओल्ड। मुझे कोई कमेंट सेक्शन में पूछे कि शम्मा कितने साल की होगी हो, तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं हो गई हूँ आज 31 ईयर। यस यस, 31 साल मैंने जी लिया है मेरी लाइफ के। सो आज मुझे लगा कि नए साल का मैं ओके गाइस, मेरा फेस देखो कैसा हो रहा है। अभी मैं जब व्लॉग स्टार्ट की थी उसके बाद रवि ने मुझे बुला लिया। क्यों बुला लिया, आई लिंक हेयर एंड देयर समवेयर, फोटो लगा दूंगी। सुबह से आज उस वो पैम्परिंग डे टाइप्स है, ब्रेकफास्ट, टी ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग ही इज़ डूइंग। ही आस्क्ड मी व्हाट यू वॉन्ट ऑन योर बर्थडे एंड वॉज लाइक किचन से छुट्टी। नॉट ये कि तुम भी बाहर से लो खाने के लिए, नो, तुम बनाओ और मैं खाऊंगी। तो वो वाला छुट्टी मुझे चाहिए था किचन से, एंड ही सेड यस, व्हाई नॉट। ऐसे वो बहुत हेल्प करता है, आप सबको पता है कि ही इज़ लाइक हाफ किचन वो संभालता है। बट आज पूरा पैम्पर डे, आई एम नॉट अलाउड इन द किचन, जस्ट खाने के लिए हूँ और किसी चीज़ के लिए नहीं। सो क्विकली मैंने खाना ब्रेकफास्ट किया एंड मैंने फेस वॉश किया, आप देख भी सकते हो टोनर लगाए हुआ। आई एम जस्ट गोइंग टू क्या वॉज हेयर, ही वॉज आस्किंग लाइक कुछ पार्सल आने थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरा कुछ एक पार्सल है वो आ गया है, बट आया ये था विच इज़ ऑल्सो लाइक वी ऑर्डर्ड। सो ये है डुएट कवर, या डुएट कवर आया हुआ है एंड फर्स्ट टाइम अमेजोन से ऑर्डर किया है। लग रहा था कि कैसा होगा बट एक्चुअली क्वालिटी इज़ रियली रियली नाइस। स्पॉन्सर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है ये, बट अभी आया और जस्ट अभी ने पूछा तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी बता दूँ। सो इस तरीके का प्लेन डुएट कवर मंगाया हुआ है हमने, यू सी, एंड ये है रॉयल लग्जरी, रियली नाइस। जब मैं इसको बिछाऊंगी तब आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा हाई फाई टाइप, मतलब वैसा कुछ ग्लिटर व्लिटरी नहीं है, प्लेन डुएट है, वो कंफर्टेबल रहते हैं ओढ़ने के लिए। एंड एज यू गाइज नो, लाइक वीकली मैं चेंज करती हूँ डुएट कवर, क्योंकि हाइजीन से लेकर हर चीज़ के लिए इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। सो इसे चेंज करना है। हाँ, मैं बोल रही थी मैंने टोनर लगाया था, टी शर्ट गीली हो गई क्योंकि वॉश किया है। रात में शार लेती हूँ तो ऑब्वियसली सुबह मैं शार नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे सर दर्द होने लगता है, माइग्रेन होने लगता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू समथिंग ऑन माई फेस, जस्ट नॉर्मल लाइक मॉइस्चराइजर एंड एवरीथिंग, एंड आई हैव टू गो आउट। कुछ चीज़ें हैं, रवि पूरी किचन संभाला हुआ है, बट उसने बोला सो कुछ सामान चाहिए, इफ ही विल गो तो उसको टाइम लग जाएगा, सो आई एम गोइंग इंस्टेड ऑफ हिम। एंड मुझे कुछ लॉन्ड्री का सामान खरीदना था और डिशवॉशर वगैरह का, सो वो सारा सब कुछ लेते हुए आऊँगी। 1.5 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। सो ये व्लॉग काइंड ऑफ ऐसे ही ऑन ऑफ सा बनने वाला है, बट आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल मेरा बर्थडे व्लॉग। सो यही है बर्थडे व्लॉग का मतलब, सिर्फ केक कटिंग नहीं है, आगे पीछे के भी काम करने ही होते हैं। सो मैं क्विकली एक बार रेडी हो जाती हूँ, देन आई विल सी यू गाइस। आई एम जस्ट गोइंग आउट एंड यू वोंट बिलीव, मैं कभी इस तरीके अपने व्लॉग में इस तरह की चीज़ें ऐड करती नहीं हूँ, लाइक सरप्राइज काइंड ऑफ, बट इट इज़ समथिंग विच अगर मैं ऐड नहीं करूँगी तो विल बी लाइक करना चाहिए था। बर्थडे प्रेजेंट, रवि वाज लाइक अभी मैं उसको कॉल करूंगी, सबसे पहले मैं व्लॉग में ऐड कर रही हूँ। यस, इट्स माय बर्थडे प्रेजेंट, आई गेस, आई डोंट नो व्हाट्स इनसाइड। रक्षा, व्हेन वी विल कम बैक, लिसन, तब ले लेंगे, ठीक है? विल यू से हाय? हाय। इज इट मम्मा बर्थडे? यस। से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रवि शंकर मम्मी। हैप्पी बर्थडे रविशंकर मम्मा। यस्टरडे मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, उसने बोला ओके सो योर मम्मा इज अ बर्थडे गर्ल, कहती नो इट्स नॉट बर्थडे गर्ल, माय मम्मा इज बर्थडे मम्मा टुडे। मतलब वो मुझे याद दिला रही है कि मैं गर्ल नहीं हूँ, मम्मा हूँ मैं। तो और यू नो अभी जस्ट मुझे क्लिक किया है, वो मुझसे बोला लेटर बॉक्स की की लेकर के जाना, चेक करते हुए आना लेटर बॉक्स। आई एम लाइक ओके क्या मतलब। उसको था एक्चुअली, अभी जो रवि है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है पूरे टाइम, मतलब 5 डेज, मतलब ही डजंट गो टू ऑफिस। सो वो कल मम्मी बात कर रहे थे तो बोले कि क्या सरप्राइज करा, हर बार ही वो मेरे बर्थडे पे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो सरप्राइज करना ही होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट ह्यूज इवेंट और समथिंग, क्योंकि हम वैसे ही बहुत पार्टी करते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो हर एक साल से डिफरेंट होता है। तो इस बार वो बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग बिकॉज मैं तो घर पर ही हूँ, और उसकी आंख तो ऐसे रखी रहती हैं, उसको क्या मैं सरप्राइज दूंगा क्योंकि मैं तो घर पे हूँ। एंड लुक, आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। आई नो यू नॉट गोना वॉच माई व्लॉग क्योंकि आप तो यूट्यूब प्राणी हो नहीं, बट स्टिल थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो यस, शॉर्ट मैसेज फॉर रवि। अब मैं जा रही हूँ टाउन सेंटर, मुझे कुछ सामान लेना है। सो रक्षा इज कमिंग विद मी। रक्षा, आर यू कमिंग विद मी टू टाउन सेंटर?
मम्मा ने किसी को दिया उसके हेजहॉग उसका एक टॉय है उसकी बैटरीज ड्रेन आउट हो गई है तो रक्षा को बैटरीज लेना है. मैंने मम्मा ने किसी की आपको लिपस्टिक लग गया यहाँ पर मेरा बच्चा शी इज सो एक्साइटेड बहुत ज्यादा. छोटी थी तो उसको समझ नहीं आ रहा था बर्थडे वगैरह का इतना. अभी उसको हर एक मेरा रवि का अपना बर्थडे याद है एंड वो बड़ी सारी एक्साइटेड हो जाती है. मोबाइल पे हाथ रख गया था. सो गाइज बस मैं इसका भी हाथ पकड़ूंगी लेकर के जाऊंगी टाउन सेंटर. सामान लेती हूँ लेट सी अगर कुछ बीच में शूट कर पाई तो अदरवाइज घर आकर के मिलते से बाय बाय स्वीटी बाय. बैक होम लुक एट माय कंडीशन क्या गंदी हो रखी है मेरी हालत और ये रहा सामान ये रही रक्षा घर पहुंचती हूँ. गाइस तो मैं रूम में आ गई हूँ. आज मेरा रूम में ही बैठने का टाइम है तो मैं सारा जो भी व्लॉग्स बनने वाले हैं वो यहीं से बनने वाले हैं एंड आई एम सो हैप्पी सो हैप्पी. मैं अपने आप को हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ. जब आप लोग इस व्लॉग को देखोगे तो प्लीज मुझे विश करना बहुत सारा विश करना. रवि हमेशा हंसता है वो कहता है तू है एक जो अपने बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है एंड यस आई एम लाइक पूरे साल में मतलब ये जो एक टाइम होता है कुछ 4-5 दिन मतलब होता है ना बर्थडे आने से पहले मैं एकदम टू बी ऑनेस्ट बच्चे टाइप रिएक्ट करने लगती है. सबसे जाकर के आगे से अपने से कहती है विश मी इट्स माय बर्थडे एंड मुझे ये बर्थडे मतलब मुझे होली बहुत पसंद है मुझे दिवाली बहुत पसंद सब कुछ है बट पता नहीं कि मुझे मेरा जो बर्थडे बचपन से ऐसा नहीं कि मुझे मतलब एक एज के बाद में क्रेज आया है बचपन से ही है. मतलब ना मेरी मम्मी वगैरह घर में सब लोग बोला करते थे कितनी क्रेजी हो जाती है ये अपने बर्थडे को लेकर के. एंड छोटी सी चीज़ें यहाँ शेयर करूँगी. मुझे ना स्टार्टिंग से बचपन से पेन कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है तो मतलब मेरे पापा जी तो है नहीं है लाइक जब मैं 1.25 साल की तब एक्सपायर कर गए थे तो मेरे जो बड़े पापा जी मेरे नाना जी नानी है उन्हीं के यहाँ रही हूँ मैं शुरू से ग्वालियर. तो मुझे पेन बहुत पसंद है एंड वो एवरी बर्थडे जब से मैंने पेन से लिखना स्टार्ट किया था ये रिमेंबर उन्होंने कभी ऐसा साल नहीं किया जब उन्होंने मुझे पेन नहीं दिया हो. मैं उस एक पेन को लेकर के इतनी खुश हो जाती थी कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो बट वो मेरे लिए लोगों को लगता है एक पेन के लिए इतना खुश बट मेरे लिए वो बहुत कुछ था. एंड वो जब वो मुझे जेटर का पेन देते थे जेटर इज़ लाइक उतने टाइम लगता है जेटर का पेन किसी के उसमें है ज्योमेट्री बॉक्स में मतलब वाओ कितना अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स है उसका. तो आई वॉज सो क्रेजी लाइक सिंस माई चाइल्डहुड आई रिमेंबर एंड बर्थडे के लिए मुझे बहुत खुशी रहती है. मुझे लगता है सबको होना चाहिए यार बर्थडे के लिए सबको खुश होना चाहिए. तो बस यही है मैं आ गई हूँ थोड़ा सा जो ग्रॉसरी लेना था वो देन आई वेंट टू बूट्स एंड मैं अपने आप को भी प्रेजेंट दी हूँ. रवि ने मुझे प्रेजेंट दिया है मैं डिनर टाइम में ये ड्रेस पहनूंगी एंड मैं उसको कल ही बोल रही थी कि वो हर साल मुझे मतलब 6 साल हो गए हमारी शादी को मेरे को एक ब्रांड है मतलब डू नॉट जज मी बट मुझे ओएसिस बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है एंड हर साल ऐसा होता है कि आगे पीछे मिले तो मिले बट रवि मुझे मेरे बर्थडे पे हमेशा एक ड्रेस ज़रूर दिलाता है ओएसिस से. इट्स नॉट दैट कि बहुत मतलब मैं उसका प्रचार कर रही हूँ या मतलब मैं शो ऑफ कर रही हूँ ऐसा नहीं है बट मुझे है. तो मैं उसको कल ही बोल रही थी कि यार इस साल मुझे ओएसिस की ड्रेस नहीं मिलेगी क्या एंड आई गेस वो 2 या 3 दिन पहले ही लेकर के रख दिया था. सो दिस इज़ द ड्रेस. मुझे इस तरह के कलर्स पसंद हैं ब्लैक में बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं पहनती हूँ. सो दिस इज़ द गाउन ड्रेस. आई डोंट नो ऐसे देख करके कैसी लग रही होगी आपको. रक्षा आ गई थी. सो यस मैं इसको डिनर टाइम में पहनूंगी एंड विल क्रिएट वन मेकअप लुक विल शेयर विद यू ऑल. अगर मुझे टाइम लगा तो मैं प्रॉपर से डिटेल वीडियो बनाऊंगी एंड विल शेयर विद यू ऑल. अभी तो मुझे जाना है एक और वीडियो शूट करने 2-3 वीडियो एक्चुअली शूट करने हैं वो मैं करूँगी क्योंकि मैं कुछ काम तो कर नहीं रही हूँ तो सोचा आज मैं वीडियो शूट करूँ. सो ये था मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है. आ गया था मुझे यस. सो ये तो था गिफ्ट जो रवि ने मुझे दिया है. नाउ मैंने खुद को पैम्पर किया है खुद के लिए कुछ खरीदा है. सो मैं वो चीज़ खरीदती हूँ जो मुझे मतलब यूज़ करती थोड़ा सा गंदा रूम दिखना है इट्स ओके ना है ना एक्सक्यूज करना उसको. सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई बॉट फॉर माई सेल्फ इज दिस सुकिन और इसका ये स्किन केयर है क्योंकि मैं मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर करती हूँ एंड मुझे स्किन केयर बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दिस इज द ब्रांड विच इज़ लाइक रियली गुड मतलब. तो ये 3 का सेट है. इसमें क्लींजर है मेरा ख़त्म हो रहा था टोनर है एंड है फेशियल मॉइस्चराइजर. तो ये मैंने लिया है मेरे लिए एंड इसको रख दूँ अदरवाइज रक्षा लेने लगती है फिर. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग एंड द सेकेंड थिंग जो मैं हर बार मेरे बर्थडे पर लेती हूँ चाहे छोटी सी चीज़ लूँ चाहे उसकी बड़ी सी चीज़ लूँ
टिटबिट। मुझे एक दो ब्रांड्स हैं, मुझे कमेंट करके बताना अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्चुअली बोल सकते हो आई कैन नॉट लिव विदाउट। अक्षय यहाँ खेल रहे, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, मतलब कुछ ब्रांड्स, चाहे वो ड्रग स्टोर हो चाहे हाई एंड हो, मतलब कुछ एक नाम होता है ब्रांड्स, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कुछ 200-500 pounds की चीज़ की बात कर रही हूँ, नहीं, ब्रांड मतलब मुझे ऐसी कौन सी चीज़ें जो पसंद है। अगर आप चाहते हो देखना तो डू लेट मी द कॉमेंट सेक्शन। फर्स्ट इज ओएसिस, आई हैव ऑलरेडी मेंशन। सेकेंड इज टेड बेकर। So I got this trio. And let the comments know what you want a gum smash. She got gum smash. Yeah, भूलना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए. So this is Ted Baker trio. ये है lip shades, kind of balm है, but let me open it show you guys. Okay, so ये इस तरीके से आती हैं. बहुत प्यारा लगता है ये lip color, मतलब इसका जो pattern है वो, and ये pencil वाले जो lipsticks जो होते हैं ना वो हैं. And look at the color. आई गेस जूम ज़्यादा हो गया है ना, हम उससे कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया था ये वीडियो, तो लुक एट द कलर। ये मेरी ड्रेस रखी हुई है, यस। सो ये है तीन का शेड है, ट्रायो है एंड दीज थ्री कलर्स। सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट फॉर माय, ये सब लिया हुआ है मैंने। मैं थोड़ा सा रेडियो जाती हूँ, वीडियो शूट कर लेती हूँ, मतलब किचन के अलावा का आज मैंने, मतलब मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है जैसा वीडियो बन रहा है जिसमें किचन बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ खाने की फोटोज़ लगाती जाऊँगी ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक जो भी रवि बना रहा है। आई एम सो एक्साइटेड, सो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, सो हैप्पी, मतलब खुद से ही खुश होकर के बोले जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं खुश हूँ, होना भी चाहिए कभी कभी। सो यस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद में, जो भी कुछ अपडेट होगा विल एड इन दिस व्लॉग। तो मेरा एक वीडियो डन हुआ है जस्ट अभी, ये रोका बॉक्स का, मैं इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ कि मैं इसके जो वीडियोस हैं वो डालती हूँ रियल लाइफ डायरीज पर, जो मेरा अनदर चैनल है। सो अगर आप चाहते हो कोई रिव्यूज़ वगैरह देखना टाइप के, तो आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर कोई और आपकी रिक्वेस्ट है ब्यूटी से रिलेटेड, तो आप मुझे वहाँ जा करके बता सकते हो, सो दैट आई मेक वीडियो ऑन दैट। इफ़ यू आर इन अराउंड UK देन ओनली, अदरवाइज इंडिया के प्रोडक्ट्स विल बी टफ फॉर मी टू डू एज आई मीन UK। सो बट येस, सो ये भी किया है मैंने, आई एम गोइंग टू फीड रक्षा, वो रवि नहीं कर सकता, उसके बस की बात नहीं है, कहता है हम पे ना हो पाएगा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू फीड हर। हम भी लंच करेंगे, जो अगर फिर होगा एक्स्ट्रा जो भी कुछ होगा विल एड इन दिस व्लॉग। राइट गाइज, सो अभी ना शाम के 4:45 हो रहे हैं एंड आई एम इन माई ऑफिस। इफ यू गाइज आर थिंकिंग कि कहाँ आ गई मैं, तो मेरा एक की जो है, लेट मी शो यू, कैन यू सी इफ यू कैन जस्ट हैव अ आइडिया, दिस इज़ माई ऑफिस बेसिकली। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि टूर दूंगी बट कभी मौका नहीं लग पाता, हमारे एक फ्रेंड है वो आ रहे हैं आज, सो दे विल स्टे हेयर। सो यहाँ मेरा जो सोफ़ा डला रहता है वो एक्चुअली है सोफ़ा बेड, सो उसको मैंने खोल दिया है इस तरीके से, यू कैन सी, वैसे बिछा दिया है उसको। एंड यहाँ मैं काम करती हूँ यूजुअली। सो बात ऐसी है कि मैंने अभी सारा सिस्टम पर डेटा ट्रांसफ़र किया, सो इट्स ऑलरेडी 15 minutes. सो ये जो व्लॉग है मेरा आज का, मैं इसको यहीं पर एंड करूँगी। ये मैं सोचना कि आगे का व्लॉग नहीं आएगा, बर्थडे ये तो कुछ था ही नहीं बर्थडे जैसा इसमें। सो ये बर्थडे वाला दिन है मेरा जो ऐसा गया, जो मैं किचन में एंटर भी नहीं की हूँ। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी मेरा दूसरा व्लॉग, विच गोना बी माई डिनर एंड एवरीथिंग सेलिब्रेशन विद फ्रेंड्स, कॉन्टीन्यूसली स्टार्ट करूँगी। मैं सिर्फ बीच में इसको ब्रेक इसलिए दे रही हूँ, अदरवाइज मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड आई डोंट वॉन्ट अगेन कि आप लोग मिस करो उसको। एंड यस, तो इसलिए मुझे इसको एंड करना होगा। सो ये काइंड ऑफ मेरा 4th of January कि मेरा डे टाइम कैसा रहा ड्यूरिंग माई बर्थडे। सो वही है, रवि स्टिल इज इन किचन, मुझे नहीं पता वॉट ही इज़ डूइंग। कहीं से मुझे फीलिंग आ रही है इंडियन खाने की, कहीं से टर्किश खाने की फीलिंग आ रही है, कहीं से मुझे मेडिटेरियन जो है मीडियेबल डिनर होता है वहाँ की फीलिंग आ रही है, कहीं से चाइनीज़ आ रही है, आई डोंट नो वॉट इज़ गोइंग टू डू, कुछ नहीं पता मुझे। सो लेट्स सी, अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, दो आई एम नॉट स्टेपिंग आउट फ्रॉम द हाउस, बट स्टिल मुझे लगता है कि मुझे एक बार ही रेडी हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से, देन रात में दोबारा। सो मैं 5 बजने वाले, मतलब 4:45 में, सो आई एम जस्ट गोइंग, विल साइन ऑफ हेयर ओनली, जिससे कि मैं दूसरा व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ, इसको एडिट कर पाऊँ, टाइमली डाल पाऊँ। सो यस, अच्छा लगा हो मेरा ये दिन का टाइम, हाउ आई स्पेंड माय बर्थडे वाला डे तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यस, आप लोग क्या करते हो अपने बर्थडे पे, आप भी क्या मेरे से एक्साइटेड रहते हो? शायद से मेरी पूरी 3 साल की जर्नी में आपने पहली बार मुझे इतना एक्साइटेड देखा होगा,
ऑन द कैमरा. सो यस, बहुत लोगों को लगता है बहुत शांत और रूड किस्म की इंसान हूँ. सो मैं जितना मैं अपने आप से बोल रही हूँ एक्चुअली बहुत क्रेज़ी हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा उद्यमी किस्म की इंसान हूँ. तो अगर किसी को ऐसा डाउट है कि मैं बहुत सीरियस काइंड ऑफ पर्सन हूँ, सो आई एम नॉट सॉरी, आपका डाउट बहुत गलत है. एंड यस, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. ऑफिंग साइनिंग ऑफ हेयर और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में. अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विश मी हैप्पी बर्थडे. बाय.